अगर हम आपसे सवाल पूछें कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर कौन सी आईपीएल टीम का हेडक्वार्टर है, तो आप ऑब्वियसली कोलकाता नाइट राइडर्स का ही नाम लोगे। बट ये जवाब पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि वो टीम कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं बल्कि लखनऊ सुपर जायंट्स है। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के जो मालिक हैं संजीव गोयनका साहब, उनकी कंपनी RPSG ग्रुप बेस्ड है कोलकाता में, और वहां पर एक लोकल फुटबॉल टीम मोहन बगान में उनका काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी है और वहां पर उनकी ओनरशिप में स्टेक भी है। और पिछले साल हमने देखा था कि लखनऊ सुपर जायंट जब कोलकाता खेलने गई थी तो वहां पर वो मरून कलर की जर्सी में, मोहन बगान के तरीके वाली जर्सी में कोलकाता नाइट राइडर्स से टकराए थे, और इस बार भी उनका ऐसा ही करने का प्लान है। तो एक तरीके से वो कोलकाता को होम अवे फ्रॉम होम बनाना चाहते हैं। अब इसमें वो कितने कामयाब होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हां, क्रिकेट के मैदान के ऊपर लखनऊ सुपर जायंट्स का कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर अच्छा खासा दबदबा रहा है। मतलब अगर आप उनके हेड टू हेड स्टैट्स देखो तो 3 बार अभी ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं और 3 बार लखनऊ सुपर जायंट्स ने बाजी मारी है, और 2 बहुत ही क्लोज मुकाबले हमें इन दोनों टीमों के बीच देखने को मिले हैं। एक मैच लखनऊ सुपर जायंट्स 1 रन से जीती, एक मैच 2 रन से जीती, और इस बार भी इसी तरीके का मुकाबला हमें देखने को मिले, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है। दोनों ही टीमें अपने अपने बड़े खिलाड़ियों की इंजरीज से जूझ रही हैं, लेकिन जहां कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी इंजरी से वापस आने की कगार पर हैं, LSG के खिलाड़ियों का अभी तक कुछ अता पता नहीं चल रहा है। तो दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स से। तो KKR के लिए फिल सॉल, सुनील नारायण, अंकृष रघुवंशी, नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, रमनदीप सिंह, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा या फिर उनके सगा हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती हमें इस टीम की प्लेइंग 11 पूरी करते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर चाहिए, अनुकूल रॉय चाहिए, सूर्य शर्मा चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहां पर KKR डिसाइड कर सकती है। और आपने ठीक पढ़ा, नीतीश राणा इन प्लेस ऑफ वेंकटेश अय्यर पूरी तरीके से सेट माना जा रहा है कि इस मैच में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि हर्षित राणा के ऊपर थोड़ा बहुत डाउट जरूर है, लेकिन नीतीश राणा के ऊपर कोई भी सवाल अब तो मुझे उठता हुआ नहीं दिख रहा। आई विल बी रियली रियली सरप्राइज अगर नीतीश राणा इस मैच में हमें खेलते हुए ना दिखाई दे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर की जगह आपको वो रमनदीप की जगह खेलते हुए दिख जाए, बट जिस तरीके से टीम का मेकअप है, ऑलरेडी वहां पर सुनील नारायण एक लेफ्ट हैंडर है, ऑलरेडी वहां पर रिंकू सिंह एक लेफ्ट हैंडर है, और नीतीश राणा अगर लेफ्ट हैंडर होते हैं और साथ में वेंकटेश अय्यर लेफ्ट हैंडर हो जाते हैं, तो ना सिर्फ बहुत ज्यादा 4-4 लेफ्ट हैंडर आपकी टीम में हो जाएंगे, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी यहां पर बिगड़ जाएगा, क्योंकि फिर अंकृष 3 पे खेलेंगे, फिर श्रेयस 4 पे खेलेंगे, नीतीश 5 पे खेलेंगे, तो फिर वेंकटेश को आपको 6 पे खिलाना पड़ेगा, देन रिंकू एट 7, रसल 8, या फिर अगर आप रिंकू और रसल को ऊपर करते हो तो फिर वेंकटेश बहुत ही ज्यादा नीचे चले जाएंगे, और इतनी नीचे बैटिंग करके बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन की उम्मीद आप उनसे रखोगे नहीं। तो बेटर यही है कि उनकी जगह सीधे सीधे आप नीतीश राणा को लेकर के आओ, अपने वाइस कप्तान को, और रमनदीप को एज एन एक्स्ट्रा फिनिशर आप अपनी प्लेइंग 11 में रख सकते हो। और उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 अगर देखें तो ये भी बड़े बड़े इंजरी कंसर्न से जूझ रहे हैं। फिलहाल क्विंटन डिकॉक, KL राहुल, देवदत्त पड्डीकल जिनकी फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है, उनकी जगह पेरक मनकड़ हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। देन मार्कस टोइनिस, निकलस पूरन, कृणाल पांड्या, आयुष बदूनी जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी बारी खेली थी, रवि बिश्नोई, अरशद खान, नवीनुल हक और यश ठाकुर हमें इस टीम की प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे। मोहसिन खान और मयंक यादव, ये दोनों ही प्लेयर, ये दोनों ही की फास्ट बॉलर अवेलेबल यहां पर चल रहे हैं। अब ईडन गार्डन में अगर तो बैटिंग फ्रेंडली माहौल होता है तो नवेलुल हक की जगह आप शामार जोसेफ को भी खिला सकते हो, या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि युद्धवीर सिंह चरक को एज एन इंपैक्ट प्लेयर लेकर के आ सकते हो। तो ये 2-3 चीजें हो सकती है, लेकिन फिर मणिमरन सिद्धार्थ को आपको बाहर करना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगे हैं। तो ये एक डिसीजन यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स को लेना पड़ेगा और ये उनके लिए आसान होने वाला है नहीं, सिंपली बिकॉज ऑफ द इंजरी कंसर्न्स जो इस टीम के रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे यहां पर जरूर दिखाई दे रही है कि एक बहुत ही क्लोज मुकाबला यहां पर जरूर हो सकता है, क्योंकि देखो नीतीश राणा इंजरी से वापस आ रहे हैं, हर्षित राणा का कुछ पता है नहीं, दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच हार करके आ रही हैं। हालांकि टॉप 4 में दोनों टीमें फिलहाल बरकरार हैं और वहीं पर बरकरार रहने के लिए इस मैच को जीतना उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब अगर फटाफट से प्रेडिक्शन की तरफ चले तो हमारी पहली प्रेडिक्शन यह है कि श्रेयस अय्यर विल फायर विद द बैट ऑन दिस ग्राउंड इन दिस मैच। देखो पिछले 2 मैचों में श्रेयस अय्यर को अच्छा टाइम बिताने का
का मौका मिला है ऑन द पिच। पिछले मैच में भी उन्होंने 30 रन से ऊपर जरूर बनाए थे, हालांकि बहुत ही फायरी वो इनिंग नहीं थी, लेकिन वक्त उन्होंने विकेट पर बिताया था। उससे पहले भी एक मैच में वो विकेट पर वक्त बिता चुके हैं, थोड़े रन बना चुके हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने। तो ये चीजें श्रेयस अय्यर के काम आएंगे और मुझे लगता है इस मैच में LSG की बॉलिंग को देखते हुए श्रेयस अय्यर का बल्ला जरूर चल सकता है। उसके बाद हमारी दूसरी प्रेडिक्शन यह है कि 170 से 180 के बीच पहले बल्लेबाजी करते हुए रन हमें बनते हुए देख सकते हैं, मतलब हो सकता है कि बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच ना हो। और हमारी तीसरी प्रेडिक्शन यह है कि चेजिंग साइड इस मैच को जीतती हुई हमें दिखाई देगी, बिकॉज ईडन गार्डन जो है अब वो चेजिंग के लिए थोड़ा सा फ्रेंडली माना जाता है। यहां पर मैं KKR का भी नाम ले सकता था, LSG का भी नाम ले सकता था, बट मुझे पता नहीं कि टॉस कौन जीतने वाला है। तो जो भी टीम चेस करेगी उसका पलड़ा जरूर भारी रहेगा, और जितने क्लोज दोनों टीमों के बीच मैच हुए हैं मुझे लगता है एक बार फिर से उतना ही क्लोज मैच होने वाला है, और ऐसी सूरत में रिजल्ट प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और अब अगर दिन के दूसरे और बड़े मुकाबले की तरफ चले, यानी कि दी एग क्लासिको ऑफ IPL, टू मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स ऑफ दिस लीग, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस एट दी वानखेड़े स्टेडियम, तो एक बार फिर से एक कड़ाकेदार और एक हाई प्रोफाइल मैच हमारे सामने है। और 10 सालों में पहली बार ऐसा होने वाला है कि ना ही रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए कप्तानी करने वाले हैं और ना ही महेंद्र सिंह धोनी हमें चेन्नई सुपर किंग्स से CSK से कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। तो दो नए कप्तान मैदान पर उतरने वाले हैं और एक नए सिरे से इस राइवलरी की शुरुआत हो रही है, इफ यू वांट टू लुक इट दैट वे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चेन्नई सुपर किंग्स, जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, वो थोड़ा सा इधर उधर चले गए हैं। अभी तक उन्होंने कोई भी अवे गेम नहीं जीता है इन दिस IPL, और मुंबई जो कि अपने पिछले मैचेस शुरुआत के 3 मैचेस हार गए थे, वो अपने घर में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और 2 बैक टू बैक मैच बहुत ही धमाकेदार अंदाज में जीत करके आ रहे हैं। तो सबसे पहले CSK की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। यहां पर ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, डैरल मिचेल, रविंद्र जाडेजा, समीर रिजवी, MS धोनी, दीपक चहर, तुषार देशपांडे और मथीशा पाथीराना या फिर महिषा थीक्षणा में से हमें कोई एक खेलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पाथीराना की फिटनेस पर अभी पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है। हालांकि CSK के कैंप से खबर निकल करके आ रही है कि वो इस मैच में वापसी कर सकते हैं, बट अभी तक कुछ भी यहां पर श्योरिटी है नहीं। तो देखना होगा कि क्या पाथीराना अवेलेबल रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं। मुस्तफिजुर रहमान हमें एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलते हुए दिखाई देंगे, इन केस यू आर वंडरिंग कि इस लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं है। और इन्होंने तो तय कर लिया है कि राजवर्धन हंगरगेकर को हमें नहीं खिलाना। अब भैया नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना, उसका तो कुछ किया जा नहीं सकता, बट आई थिंक दीपक चहर इस मैच में जरूर वापस आ जाएंगे पिछला मैच मिस करने के बाद। और तुषार देशपांडे आपके एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होंगे, मुस्तफिजुर रहमान होंगे, उसके बाद आप चाहो तो पाथीराना को खिला सकते हो अगर वो फिट है, या फिर थीक्षणा को खिला सकते हो, या फिर शार्दुल ठाकुर को खिला सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर चाहिए, बट लमसम यही आपकी टीम रहने वाली है। उसके बाद मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की तरफ चले तो यहां पर बहुत ज्यादा बदलाव हमें होता हुआ नहीं दिखाई देगा। ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव हु इज बैक इन रेड हॉट फॉर्म, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, टिम डेविड, मोहम्मद नबी, रोमारियो शेफर्ड, श्रेयस गोपाल, जसप्रीत बुमराह एंड जेराल्ड कोटजिया हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद आकाश मधवाल को आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो चेन्नई के प्लेइंग 11 में उनको अपनी इंजरी कंसर्न्स के अकॉर्डिंग बदलाव करना पड़ेगा, बट MI भाई फाड़ू टीम लग रही है, एकदम किलर इंस्टिंक्ट वाली ये टीम लग रही है। हार्दिक पांड्या की फिटनेस के ऊपर कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। साइमन डूल ने भी बोला है कि भाई ये खिलाड़ी फिट है नहीं, बट चूंकि ये IPL में कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि इनको T20 जाना है, तो ये अपनी फिटनेस को किसी तरीके से मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं। सो टूर्नामेंट बहुत लंबा है ये भाई, तो ओनली टाइम विल टेल कि इस बात में कितना ज्यादा दम है, बट बैटिंग ये टीम बहुत ही ज्यादा डीप करती है। उसके अलावा टिम डेविड, नबी, शेफर्ड बहुत ही तगड़े फिनिशर्स इनके पास हैं, हार्दिक तिलक के रूप में बहुत ही एबन मिडिल ऑर्डर इनके पास है, और सूर्य के आ जाने के बाद से ये टीम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई है। तो अब अगर इस मैच की प्रेडिक्शन करें, देखो मेरी पहली प्रेडिक्शन तो यह है कि 200 से ज्यादा रन यहां पर बनने वाले हैं, और मेरे ख्याल से दोनों ही इनिंग में बनने वाले हैं। पहली इनिंग में तो बन के ही रहेंगे, और सेकेंड इनिंग में भी चेजिंग टीम जो है उस लक्ष्य के बहुत ही करीब पहुंचने वाली है, ऐसा
जहां मुझे लगता है। दूसरी प्रेडिक्शन मेरी यह है कि सूर्य कुमार यादव 30 से ज्यादा रन जरूर खड़काने वाले हैं। मतलब ये जो बॉलिंग सीएसके की है मुंबई के ग्राउंड में, छोटा सा ग्राउंड, सपाट पिच और जिस तरीके की फॉर्म में स्काई पिछले मैच में दिखाई दिए हैं, आई थिंक ही विल गो फॉर द किल अगेंस्ट द चेन्नई सुपर किंग्स। और मेरी तीसरी प्रेडिक्शन यह है कि मुंबई इंडियंस इस मैच में जीत दर्ज करती हुई हमें दिखाई देगी। मतलब पिछले कुछ समय से सीएसके का दबदबा जरूर रहा है एमआई के ऊपर, लेकिन इस मैच में आई थिंक जिस तरीके से घर पे एमआई खेल रही है वो बहुत ही जबरदस्त अंदाज में सीएसके को पछाड़ने वाले हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी यूं ही बजा करके रखो और इसी तरीके की वीडियोस लगातार हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।